हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल तृप्तिज ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, ये हम जो एक डॉग को रेस्क्यू किए थे, ये सेकेंड डे का ट्रीटमेंट है। और हमें सेकेंड डे को पता चला कि उसको कैनिन डिस्टेंपर है, जो कि एक डिजीज़ होता है डॉग्स में। गाइस, कैनिन डिस्टेंपर एक वायरल डिजीज़ होता है जो कि बहुत ही डेंजरियस होता है एनिमल्स में। और ये होने से थोड़ा चांसेस कम हो जाता है उनका रिकवरी में। अगर उनका रिकवरी होना होता है तो बहुत लोग कर जाते हैं, बट मैक्सिमम केस में डेथ हो जाता है। और हम लोग फिर भी हार नहीं मान रहे गाइस, हम लोग ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि ये एक वायरल डिजीज़ है और ये जानवर से जानवर तक में फैलता है। तो मेरे घर में बहुत सारे पेट्स हैं, और हमारी जो मिंकी थी जिसका ट्रीटमेंट हम कर रहे थे, उसका भी डेथ हो गया है गाइस। तो बहुत ही दुख लग रहा है, एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। और ये पप्पी को भी जब हम लोगों ने रेस्क्यू किया, आज को ये लगभग 5 दिन हो गया है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, फिर भी वो कंटिन्यूसली 5 डेज से वो रोए जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा पेन में है। बस आप लोग प्रे करिए कि ये जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। बहुत लोगों ने मुझे बोला कि इसका चांसेस कम है बचने का, बट स्टिल मैं हार नहीं मान रही हूँ। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम लोग कैसे ठीक करें। अगर उसका बचना होगा, भगवान चाहते हैं, तो वो ज़रूर ठीक हो जाएगा, और नहीं चाहते हैं तो ऊपर वाले के हाथ में है सब कुछ। बस हम लोग प्रे कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं। तो गाइस, उसका जो तड़प है, मैं आप तो सुने होंगे उसका जो वॉइस है, वो कितना मतलब हमेशा वो रोए जा रहा है कंटिन्यूसली, तो बहुत बुरा लग रहा है गाइस। तो बस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और आप लोग भी जानिए, जो लोग पेट लवर्स हैं, जो लोग अपने घर में पेट्स रखे हैं, थोड़ा सा अलर्ट होके रहिएगा। जब आपके पेट्स को अगर कैनिन डिस्टेंपर होता है, तो ये एक वायरल डिजीज़ है, कॉन्टेजियस है, ये जानवरों में फैल जाता है गाइस बहुत इजीली, और बचने का चांस थोड़ा सा कम हो जाता है इसमें। तो कोशिश करिए, अगर किसी एक को होता है तो उसको आप आइसोलेट रखिए, जैसे हम लोग कोविड में आइसोलेट रहते हैं, तो उसी तरह आप उसको, अगर ये कैनिन डिस्टेंपर हो जाता है तो उस एनिमल को आप आइसोलेट रखिए, और उसके जो खाने के बर्तन वगैरह है सब कुछ आप अलग कर दो। और जो उसे ट्रीटमेंट कर रहा है, जो उसको मेडिसिन लगा रहा है, जो उसको पकड़ रहा है, तो वो भी उनको ट्रीट करने के बाद नहा लें, अच्छे से अपना हाथ पांव धो लें, और कोशिश करें कि जब तक उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, जो इंसान उसको ट्रीटमेंट दे रहा है वो बाकी एनिमल्स को ना टच करें, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की हो जाता है गाइस बाकियों के लिए भी। तो बस ये हम लोग का सेकेंड डे का ट्रीटमेंट का वीडियो मैंने अपलोड किया है। होप आज का ये वीडियो आपको ज़रूर इंस्पायर किया होगा। सो गाइस, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होने के बाद हम उसे घर ले आए थे, और ये है उसी दिन का ही वीडियो है। और ये इवनिंग का टाइम में हम लोगों को कुछ इंजेक्शन वगैरह देना था, तो हम लोगों ने मैं मतलब तृप्ति और पूनम को ट्रेनिंग दिया जा रहा है ये, और उन लोगों को नहीं आ रहा था, तो मैं उनको सिखा रही थी कि कैसे आप लोग इंजेक्शन दे सकते हो, क्योंकि मैं हमेशा अवेलेबल नहीं हो पाऊँगी, इसलिए मैं अपने बच्चों को सिखा रही हूँ। और ये देखिए, तृप्ति भी सीख रही है, और समहाउ वो मैनेज कर ली और इंजेक्शन भी दे दी, बट थोड़ा सा शूट नहीं कर पाएगा इस। और जब हम लोग शूट करेंगे, उनका तृप्ति जब इंजेक्शन देगी, पूनम तो सीख गई है, मैं पूनम को सिखा दी हूँ, आप लोग देखे हों, अगर नहीं देखे वो वीडियो तो मैं आपको इस नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूँगी कि पूनम भी इंजेक्शन देना सीख गई है, और ये तृप्ति भी देती है इंजेक्शन, बट अभी बहुत दिन हो गया वो दी नहीं थी, तो इसीलिए उसको थोड़ा सा नहीं आ रहा था। तो कोई बात नहीं, हम उसको सिखा रहे हैं। और आप भी अपने बच्चों को एनिमल्स के प्रति थोड़ा सा काइंडनेस सिखाइए, और उसको लगवाना है मतलब सेवा करना सिखाइए, क्योंकि ये बेजुबान हैं, ये बोल नहीं सकते हैं अपना कोई भी प्रॉब्लम्स, उन्हें पेन होने से भी वो बोल नहीं पाएंगे गाइस। और ये देखिए, पूनम रात को खाना खिला रही थी हमारे बाकी पेट्स लोगों को, और सब बहुत चाव से खुशी से खा रहे हैं। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए।
और हमें मोटिवेट करिए, इंस्पायर करिए, ताकि हम ऐसे ही सेवा करते रहें इन बेजुबानों का। और हमसे जितना बन पाएगा गाइज, हम लोग ज़रूर करेंगे आखिरी तक। और ऐसे ही हम अपने बच्चों को भी सिखाएंगे कि एनिमल्स के प्रति उन्हें ढेर सारा वो लोग प्यार एनिमल्स को दे, और कभी भी उन्हें हर्ट ना करे। आप लोग भी अपने बच्चों को ज़रूर सिखाइए ढेर सारा प्यार करना इन बेजुबानों को। और आपसे अगर हो पाएगा तो डेली थोड़ा सा खाना और थोड़ा सा पानी इन्हें ज़रूर दीजिएगा गाइज। सो गाइज, वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है, और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।